गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे 11 तारीख का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों दोस्तों महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठास पे मिलने वाला रिजर्वेशन जो है, जो कि मराठास को, जो मराठा वहाँ पे रहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो रिजर्वेशन मिलता है उस पर अभी उन्होंने स्टे लगा दिया है। थोड़ा सा इसकी अपन डिटेल देखते हैं अंदर क्या हुआ है इसमें। तो एक तीन जजेस की बेंच थी है, जिसके हेड थे जस्टिस एल नागेश्वर राव। उन्होंने ये केस जो है लार्जर बेंच को जो है देने के लिए कह दिया है। इसमें दोस्तों हुआ ये था, इसकी जो स्टोरी बैक स्टोरी पे जाते हैं अपन, इसमें क्या हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट जो है उसके तहत 16% रिजर्वेशन दे दिया था मराठा कम्युनिटी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर इसको गवर्नमेंट इसको जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था 2019 में, और ये जो कोटा है उसे 12% कर दिया गया था एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे और 13% जॉब्स में कर दिया गया था। इसके बाद एक अपील और फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह बताया गया था कि ऐसे 12% और 13% जो रिजर्वेशन दिया गया मराठास को उसकी वजह से जो 50% का कोटा जो रहता है, क्योंकि किसी को भी 50% ज़्यादा कोटा नहीं दिया जाता किसी भी स्टेट में रिजर्वेशन का, तो वो 50% ब्रीच हो रहा है, इसलिए इसको एंड करने के लिए जो है बात कही गई थी। और उन्होंने और ये कोर्ट में ये आया था ऐसा कि ये जो 1992 में जो जजमेंट आया था इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा दिया था कि रिजर्वेशन 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन हो रहा है अगर हम मराठास को इतने परसेंट का जो है अगर जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो अब इस पे जो है अभी फर्दर स्टे लगा दिया गया है मराठास के, जो आप बोल सकते हैं इसको कि रिजर्वेशन पे जो है अभी फिलहाल जो है इस पे स्टे लगा दिया गया है और एक बड़ी बेंच को जो है ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है। हमें जो याद रखना है दोस्तों इसमें कि 1992 में जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि 50% जो है वो रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो था इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। बस इतना याद रख लीजिए, इतना काफी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने अभी दो चीजों को रजिस्ट्री लॉन्च करा है, एक तो है मत्स्य संपदा योजना और एक है ई गोपाला ऐप। ये जो मत्स्य संपदा योजना है इसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर्स के बारे में बात करी गई है, और इसमें 20,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाना है और 2024-25 तक एडिशनल 70 लाख टन का फिश प्रोडक्शन जो है करने की इसमें बात कही गई है। और एक दूसरा जो है इन्होंने लॉन्च करा है वो है ई गोपाला ऐप। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट प्लेस भी है और इन्फॉर्मेशन पोर्टल भी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस और इन्फॉर्मेशन पोर्टल भी है जो कि फार्मर्स को यूज के लिए बनाया गया है ये ई गोपाला ऐप। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है मत्स्य संपदा योजना और दूसरा है ई गोपाला ऐप। ये एक मार्केट प्लेस है, इतना ध्यान रखिएगा बस आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभी आप जानते हैं कि SCO की मीटिंग चल रही है, जिसमें पहले डिफेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई थी और अभी जो है हाल ही में जो है हमारे विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। इसको होस्ट करा था रशिया ने, मॉस्को में ये जो है मीटिंग्स हो रही थी। अब इन मीटिंग का जो अगला सेशन है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। तो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आने वाले मीटिंग्स हैं वो सब इंडिया में होस्ट होंगी। इसमें 29 से 30 नवंबर के बीच में प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो है वो मीटिंग होगी और उससे पहले दो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होगी, जिसमें कि जस्टिस मिनिस्टर की मीटिंग और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक और ट्रेड की होगी
और इसके बाद 28 अक्टूबर को ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग होगी। तो आने वाले जितनी भी मीटिंग्स हैं एससीओ की वो इंडिया में होने वाली है। बस ये हमें याद करने वाली बात है। और अगर याद रखना चाहें तो प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग जो है वो 29 से 30 नवंबर के बीच में होने वाली है। ओके चलिए, अभी हमने पिछले दिनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करा था। इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में। चाइना के आसपास जितनी भी कंट्रीज है 7-8, वो सब जो है एससीओ की मेंबर हैं। व्लादिमीर नोरवो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों म्यांमार में क्या हुआ है, अचानक स्पाइक हुए कोविड-19 के केसेस। तो म्यांमार ने क्या करा है, डोमेस्टिक फ्लाइट जो है उनकी वो सारी बंद कर दी है 11 सितंबर तक। अगर यहाँ पे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को दोस्तों पहले बर्मा भी कहते थे, और ये एक साउथ ईस्ट एशिया में जो है एक कंट्री है। इसकी कैपिटल जो है वो है न्यापिदाव। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है बर्मीज। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है विन मिंट, और यहाँ की करेंसी जो है वो है कैट। ये देखिए कैट जो है यहाँ की करेंसी है, और ये जो है म्यांमार का फ्लैग है। चलिए दोस्तों मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि कैसा क्या दिखता है। देखिए ये तो आप जानते हैं इंडिया, ये है दोस्तों म्यांमार। इंडिया से जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये जो एरिया है वो म्यांमार का है। ये आप जानते हैं बांग्लादेश है, और ये जो देख रहे हैं आप भूटान है। ये नेपाल, ये चाइना, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और ये कजाकिस्तान। तो देखिए मैं आपको यही यहाँ देता हूँ, ये रहा जो एससीओ के मेंबर की बात कर रहे हैं अपन, तो चाइना के जो आजू बाजू कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरफ और भी नेशंस हैं जिसका मैप में नहीं आ पा रहे हैं। ये सब जो है एससीओ के मेंबर्स हैं। इंडिया, ये सब जो है एससीओ के मेंबर्स हैं। और ये दोस्तों म्यांमार की बारी है, ये है म्यांमार। ये एससीओ का मेंबर नहीं है, पर मुझे बताना था कि म्यांमार की पोजिशन क्या है वर्ल्ड मैप पे। और अगर थोड़ा और देखें दोस्तों यहाँ पे, देखिए ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये मालदीव से, देखिए मालदीव। चलिए आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो इंडिया के जो नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं जो कि थॉमस कप और उबेर कप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनका कैंप को सैंक्शन दे दी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है। 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, और इसके जो हेड हैं सेक्रेटरी कम डायरेक्टर जनरल जो है वो उसके संदीप प्रधान जी हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये थॉमस कप है और उबेर कप है ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कटलर्स की यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कटलर्स यानी जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। ये जो थॉमस कप है ना दोस्तों, ये जो है ये मेंस से रिलेटेड कप है, मतलब मेंस का टीम वर्ल्ड कप है ये थॉमस कप। और जो ये उबेर कप है ये वुमेन्स का टीम वर्ल्ड कप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अभी पिछले कल ही के दिन दोस्तों जो राफेल विमान थे जो कि फ्रांस से आए थे वो फॉर्मली इंडक्ट हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स में। और ये जो इंडक्शन सेरेमनी हुई थी इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और मिनिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ फ्रांस फ्लोरेंस पार्ली भी जो है इस उपलक्ष्य में मौजूद थी। अगर हम राफेल की बात कर लें तो ये 4.5 जनरेशन में फाइटर जेट है, और ये 17 स्क्वाड्रन जो है इंडियन एयरफोर्स की, जिसे गोल्डन एरो भी कहा जाता है, उसमें इसका इंडक्शन हो रहा है। 5 विमान आ चुके हैं, कुल 36 विमान जो है इस डील के तहत आने वाले हैं। इसकी मैन्युफैक्चरर जो है वो है डसॉल्ट एविएशन। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 1389 किलोमीटर पर आवर से, इसकी जो रेंज है वो है 3700 किलोमीटर, इसका वेट जो है लगभग 10,000 किलोग्राम है, इसकी लेंथ जो है वो है 15 किलोमीटर, 15 मामा इसे 15 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों हमारे एफबी पेज की जो न्यूज हम डालते रहते हैं हर दिन, उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। अभी अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट अभी जारी हुई, जो फोर्ब्स की लिस्ट होती है वो जारी हुई, उसमें जेफ बेजोस जो है वो लगातार 3रे वर्ष टॉप पे रहे हैं। आगे की न्यूज दोस्तों,
पोर्तुगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं, पोर्तुगाल के जो खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो दुनिया में ऐसे सेकंड प्लेयर बन गए हैं और यूरोप के ऐसे पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल्स जो हैं वो कर लिए हैं। उन्होंने 101 गोल्स किए हैं 165 मैचेस में। और अगर हम नंबर वन की बात करें तो ईरान के प्लेयर हैं अली दाई, उन्होंने 149 मैचेस में 109 गोल करे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी दोस्तों आप जानते हैं 3 तारीख को लिटरेसी डे गुजरा है, अभी गया है, 8 तारीख को माफ कीजिएगा लिटरेसी डे था। तो उस दिन कुछ स्टैट्स सामने आए थे लिटरेसी के बारे में कि इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में हम लोग। दोस्तों इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 77.7%। ओके, और अगर सबसे ज्यादा बात करें लिटरेसी की तो केरल में है, और 96.2 जो है वो केरल का लिटरेसी रेट है। उसके बाद दिल्ली आता है 88.7 के साथ, उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड थर्ड नंबर पर है 87.6% के साथ, हिमाचल प्रदेश आता है 86.6% के साथ, और आसाम जो है 5वें नंबर पे आता है, वो आता है 85.9% के साथ। अगर हम हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 73.7% के साथ जो है ये 17th पोजीशन पे आता है। तो टॉप 5 की बात करें तो केरला, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आसाम जो है वो आते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 77.7%। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये हमारी लास्ट न्यूज है और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इसको। थाईलैंड का जो ओल्डेस्ट हिप्पो है उसका नाम जो है मे माली है, उसका बर्थडे मनाया गया और उसका 55th जो है वो बर्थडे था। जी हाँ, तो उसका बर्थडे जो है वो मनाया गया और ये थाईलैंड का ओल्डेस्ट हिप्पोपोटामस है। अगर ओल्डेस्ट हिप्पोपोटामस की बात करें जो कि रहा है तो वो रहा है दोस्तों फिलीपींस का, बर्था नाम का जो है वो हिप्पोपोटामस था, उसकी वो 65 एज तक जो है वो जिया था। 2017 में जो दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई थी। और अभी करेंटली जो सबसे ज्यादा एज का जो अभी हिप्पोपोटामस जो है वो है 60 ईयर्स का हिप्पोपोटामस लूसीफर या लू जो उसका नाम है, और ये फ्लोरिडा में जो है वो है अभी। चलिए दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमने आज की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो कवर करी। आई होप आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जी हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट करना हो तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जाके करिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।